A round table cover has six equal designs. Equal designs है between hexagonal and circle के बीच में है. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square है. तो ना पहले मैंने वही बोला, आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि फिगर मुझे खुद डेवलप करना है. जब आपको फिगर डेवलप करना आ जाएगा, इसका मतलब आप खुद ब खुद सक्षम हो गए सवाल को करने. ओ इज द सेंटर हो गया अपना, देखो तो इससे हेक्सागोनल है, ये रेगुलर हेक्सागन भी होते हैं, याद रखिएगा बराबर सर. और जो इसकी रेडियस है अपन देखो दस हजार, आर इज इक्वल टू अपन देखो दस हजार 28 सेंटीमीटर हो गया. आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो गया. आपको एक्चुअल में जो डिजाइनिंग जो निकालनी है अपन देखो ये कॉस्ट, ये यहां जो डिजाइन होगी आपकी देखो ना, ये पोर्शन ये वाला ये ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है. इसमें आपका नाम देखो दस, तो याद रखिएगा ये जो हेक्सागन होता है दिस इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन, याद रखिएगा हेक्सागन. सबसे पहले तो आपको ये दिस इज द रेगुलर पॉलीगन, इट मींस अपन यू नो इट हैज सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल. कायदे से ये होते हैं आपका नाम देखो दस, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके सिक्स बनते हैं इसमें आपका. तो नाउ ये 60 डिग्री टोटल आपका जो हो जाएगा वो 360 हो जाएगा आपका. ये याद रखिएगा आपका नाम देखो दस. ओके तो सबसे पहले आपका नाम देखो दस एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल दीजिएगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई इंटू आर, पाई का मतलब सॉरी 22 बाई अपन 7 इंटू 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर एक अपन 4 का आपका 88 इंटू 28. जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा तो कितना होता है. एक मेथड ये है इसको निकाल दीजिएगा 4 4 4 4 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नाउ देखो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दीजिए. ये देखो ये 60 होगा, तो जब आप रेडियस आपकी होगी ऑब्वियसली आप रूट 3/4 इंटू साइड को मतलब 28 का स्क्वायर हो गया आपका, तो रूट 3 1.73 आपका हो गया आपका जो ओवर आपका नाम दे 4 इंटू 28 इंटू 28 हो गया 7 हो गया 7 8 56 5 7 14 15 16 17 19 196 इंटू 1.73 को जरा आपको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है 196. वन पॉइंट सेवन थ्री इंटू 196 कितना हो रहा है
3 3 3 पॉइंट, 6 दुनी 12, 7 6 42 भी आ रहा है, ये तो आपका ना तो ना दस, अगर एक लगाता हूँ तो 7 6 42, 2 11, 3 6 18, ऐसे करीब आ रहा है आपका, देखो ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आ रहा है, ओके। मैंने तो एक आइडिया लगाया था आपका, देखो ना 10 ग्राम, ओके। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, इसमें आपका देखो 6 है, तो नाउ देखो 10 ग्राम, एरिया ऑफ आपका नाउ देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 इनटू इसका आपका 333.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 48, कैरी ओवर 4, 6 2 12, एंड 4 16, 1 6 3 18, एंड 1 19, फिर आपको 6 3 19 आपका रखते हैं 1 9, डेसिमल के बाद 2 प्लेस से आपका रखते हैं इसका होता है। अब आपका क्या होगा, जो फ्लोरोइड रह जाएगा, देखो ए तो आपका ना देखो ना, तो ठीक है, तो एरिया ऑफ जो आपका फ्लोरल डिजाइन भी आप जो भी कहें आप बना दोगे जैसे इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या हेक्सागन आप कह सकते हैं, आप बना दोगे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो आपका जैसे 2 4 6 4 माइनस 1 9 9 9.68, इसमें से इसको माइनस करके कितना आ रहा है जी, जल्दी बताइए, फटाफट चार वो है ना, 9 9 9 है, तो इसका मतलब 400 के समथिंग आना चाहिए, कितना है 464.82 है, 32, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये आ गया देखो अपन, तो ये यानी कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं इतना पोर्शन है, देखो ये वैसे भी आपका क्या हो गया माइनस सेगमेंट हो गया आपका ना, देखो इस माइनस सेगमेंट का, अब आपका ना इसलिए ना टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग इक्वल टू ये जो आपका एरिया ऑफ आपका ना फ्लोरल डिजाइन इनटू रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया, तो 4464.32 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू रुपीज 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये खल्लास हो जाएगा, 0.35 के साथ जरा इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 4 3 12, 4 6 16, 16 तो ये हो गया आपका ना देखो तो, उसके बाद 1 2 3 आपका 2 ज़्यादा बार ये आपका 4 आ रहा है, तो 2 बार ये लिख दिया आपका ना देखो तो, और 1 6 या आ ही रहा है, और 4 4 8, इतना रुपीज करीब करीब ये आपका होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये था, और अगर आप इन सारे लफड़ों से आपने नहीं तो वो क्या था आपका, क्या कर सकते थे आपका नगर से इसमें एरिया ऑफ 6 6 माइनस सेगमेंट इक्वल टू आपका डायरेक्ट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देते हैं अपन आगे बढ़े स्क्वायर, तो ना आर स्क्वायर बाई टू आप कॉमन ले लेते, देखो अपन आगे बढ़े स्क्वायर, तो इधर सर थीटा बाई आपका 180 हो जाता,
साथ में पाई आपका रहता माइनस, ये आपका नाम दिस इज साइन आपका 60 हो जाता। चेक करने में क्या जाता है हमारे आपका नाम दिस इज 28 × 28 एंड बाई दिस 2 इक्वल टू थीटा 60 बाई आपका 180 इंटू 22 बाई 7 इंटू रूट 3 बाई आपका नाम दिस। ठीक है आपका इससे ये खलास आपका 28 इंटू आपका देखो 14 इंटू ये आपका 3 हो गया आपका नाम देखो दिस इज 3 तो आपका नाम दिस 22 बाई 21 और माइनस रूट 3 बाई देखो 2 तो देखो दिस एनी हो इसको 28 इंटू 14 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तब तक ये 21 इंटू ये 42 आपका हो गया सर तो 21 टू जा 22 टू जा 48 माइनस ये 2 21 जा आपका 21 रूट 3 हो गया देखो आपका नाम। तो नाउ एरिया ऑफ 6 माइनस सेगमेंट इक्वल टू 28 इंटू 40 आपका नाम दिस इज 48 माइनस 21 इंटू 1.73 कर दीजिए आपका नाम और ओवर आपका नाम देखो दिस 40 2 से 221 से आपका हो गया और 2 से आपका नाम 214 से हो गया देखो तो 14 से आपका देखो दिस ये 196 आपका हो गया देखो आपका नाम दिस और ये अंदर आपका 44 हो गया और माइनस 21 से पहले इसको 1.73 को मल्टीप्लाई करके 44 से जरा माइनस करके जरा जल्दी बताइए तो मुझे मतलब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ जी बस कुल मिला के डायरेक्ट बिल्कुल सही है। देखो एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट आपका बल्कि एरिया ऑफ 1 माइनर करो नहीं तो 6 से आपका देखो ये 6 अब यहाँ पे जो आप करेंगे तो देखो एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट हम लिख रहे हैं लेकिन 6 से मल्टीप्लाई कहीं नहीं कर रहे देखो आपको तो ये देखो लगा लगा ये उसी के रेंज में आपका आएगा। देखो तीसरा मेथड क्या था आप क्या करो एरिया ऑफ सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया को आप क्या कर दो माइनस कर दीजिए आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया है उसके को भी आप माइनस कर दीजिए आपका नाम तो भी 6 का आपका क्या आ जाएगा। एक ही सवाल को करने के आपका नाम 3 मेथड है। ये क्वेश्चन है आपका बाकी तो सभी उसने दिया हुआ है बोर्ड का क्वेश्चन है तो ये जो अब जो ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका एरिया ऑफ दीज ऑल सेडेड पोर्शन को आपने ये निकालना है बाकी मेजरमेंट आपने ऊपर लिखा हुआ है इसको जरा मुझे आंसर बताइए ला करके क्विकली। देखिए अब आप कहाँ गलती कर रहे हैं ना यू ट्राई टू रिमूव योर मिस्टेक्स आपका नाम देखो दिस ओके ना ओडी इज इक्वल टू अपर ओडी तो सी डी है दिस इज द सी डी इज इक्वल टू अपर नाम देखो दिस ई यहाँ से यहाँ तक दिस कंप्लीट इज अपर नाम 56 सेंटीमीटर अपर नाम देखो दिस मीन्स डायमीटर इस बड़े वाले के लिए अपना फॉर द बिगेस्ट सर्किट ये इसका मतलब आर इज इक्वल टू अपर नाम देखो दिस 28 सेंटीमीटर हो गया एंड नाउ दिस 28 ये भी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई सो मेनी मेथड्स याद रखिएगा। अब आपका देखो अब आप इसको कैसे लेते लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग मैं आपका सब जगह अभी देखते हुए आ रहा हूँ तो मैं वही देख रहा हूँ आप लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग है इसलिए आप लोगों के लिए गवर्नमेंट को बोर्ड वापस जरूर लाना चाहिए इंटरनल असेसमेंट को किक मार के तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं 4-4 घंटे पढ़ा रहा हूँ मैं मैथ अब आप लगा लो वहां कंटिन्यूस ना देखो तो सबसे पहले एरिया ऑफ बिगर सर्कल वो जो है इसमें आपका जो रेडियस आपका 28 आपका आ रहा काम कर रहा है आपका नाम देखो दिस तो ये आपका इसमें रेडियस इज इक्वल टू अपन 28 सेंटीमीटर है इसलिए पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई 22/7 इनटू आर क्यों नहीं आ रहा है यही चेक करना है और कुछ नहीं 28 देखो आपका 4 जा हो गया तो दिस इज द 88 इनटू 28 इज इक्वल टू कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डेसिमल तो नहीं है इसका कहीं, ये देख लो डेसिमल होगा तो तभी इसका 10.4 होगा, नहीं तो 10.64 आना चाहिए। वही है, यही है ना, आपका नहीं आ रहा, इनका आ रहा है 2.8 की जगह में, हो सकता है कि 5.6 की जगह में मिसिंग, जैसे आपका 2.8 आपका हो जाए, ये हो सकता है। अगर 2.8 और 5.6 है तब तो 10.64 आएगा, और अगर ये 56 और 28 है, मतलब 56 है, अपने आप ही आपका ना देखो तो आपका 10.64 आएगा। अभी पता नहीं है, हो गया बात। यहाँ से आगे अब आप लोग एरिया, ये बिगर वन आपका आगे, ये बिगर वन वाले का ई, जो आप ये देख रहे हैं इसको आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देख रहे हैं, क्योंकि ये इधर से इधर तक ये डायमीटर इज इक्वल आपका 56 सेंटीमीटर ये है, इसके लिए आपने निकाला। नाउ एरिया ऑफ अपर आर्डर का स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी बाय 2, तो 28 बाय 2 आपका ना देखो दिस 14 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब ई, वो जो अब आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस ई, जो आप बोल रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक दिस इज ओ, ये डी था, और नाउ अब ये रेडियस आर इज इक्वल टू आपका देखो 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर, इसलिए इसमें भी आपका ना देखो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू आपका देखो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 14 का स्क्वायर हो गया, तो ना 22/7 इंटू कहने का मतलब 14 इंटू 14 हो गया, आपका नाम देखो ये 2 सा हो गया, आपका नाम देखो तो 22 2 48 और आपका नाम देखो 14 कितना आया 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। अब यहां जाकर के आपको दो चीजें स्ट्राइक करती है, देखो आपका एक तो ये स्ट्राइक करती है, आपका नाम देखो दिस ये आपका ना देखो दिस बी, अब आप यहां देखिएगा ये तो ना ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, सो आपका नाम देखो दिस ए, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री, एंगल मेड ऑन आपका देखो ना सेमी सर्कल, एक तो ये है। इसको करने का मतलब देखो मेरा काम दोनों चीजें बताना है, मैं यहां पे आपको उसमें आपको जो अच्छा लगे आपको करिए, देखिए आप करो ये हो गया, अब आप बना देखो दस ये सेमी सर्कल वो देखिए, और ये भी आपका ना इक्वल है और ये भी आपका इक्वल है, क्योंकि इसमें सवाल में आपका लिखा हुआ आपका ना देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये आपका सेमी सर्किल हो गया। अब आपने क्या करना था, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी आपका देखो ना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप इसको यूज कर दीजिए, आप बना देखो दिस, तो दिस इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ना देखो दे बी सी का स्क्वायर प्लस आपका देखो ना ए सी का स्क्वायर, तो ना ए बी का स्क्वायर आपका ना देखो दिस, तो 56 का स्क्वायर इक्वल टू आपका ना देखो दिस ए, इसको क्या करेंगे बताइए, क्या करूँ इसको ए हाँ कोई भी एक ले लेते आप, मुझे कोई भी एक ले लीजिए, ये है ना ये भी हो गया, और देखो यहां से इसको सेंटर फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर आपका ना देखो ये हो गया, तो ये भी आपका देखो 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, एसी निकाल दो इसका, सॉरी इन ट्राइंगल ए सी ओ निकाल लो, ये और इजी हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम आपका ना देखो दिस था, तो ये आपका ए सी का स्क्वायर ये ठीक हो गया, आपका ना देखो ये निकालिए ए सी का स्क्वायर ए सी का आपका ना देखो दिस, ये
ए ओ का स्क्वायर और ये आपका सी ओ का स्क्वायर आपका, तो आपका कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए सी बढ़ो आपका 28 का स्क्वायर प्लस आपका देखो 28 का स्क्वायर आपका ए सी इज इक्वल टू 28 रूट टू हो जाएगा। देखो आपका ये आ गया, इससे आपको क्या होगा ये आया। अब आपका देखो ये भी ये आपका 28 रूट टू आ गया और ये भी आपका देखो 28 रूट टू आ जाएगा। ये आपका देखो एनालिसिस। अब आपका देखो एरिया ऑफ देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपका ना देखो ए सी बी इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। देखो आपका देखो हाफ इंटू बेस बेस भी 28 रूट टू और इंटू आपका ये भी आपका 28 रूट टू से रूट टू आपका देखो तो 28 इंटू 28 कितना हुआ 784 बिल्कुल ही होगा बिल्कुल। तो देखो अपन ए होगा और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते इस ट्राइंगल को आप देखो ऐसे लेट आइए आपका सी ओ ये देखो यहां आ रहा है आपका देखो दिस सी ओ आपका देखो 28 हो गया आपका देखो ना दिस ए भी आपका देखो ना 56 हो गया तो भी आपका देखो ना दिस इज एरिया ऑफ ये आपका ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी या ए सी बी आपका इक्वल टू ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। देखो आपका हाफ इंटू बेस बेस का मतलब 56 इंटू आपका देखो 28 देखो इससे ये 28 गया तो 28 जा 784 सेंटीमीटर। आप ऐसे करके निकालिए या आप इसको देखो ये ना निकालते हुए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे तो इसलिए एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्किल अपना माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी और प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल आपका इसका मतलब 2464 माइनस इसमें एरिया ऑफ स्मॉलर आपका 616 और प्लस ये आपका 784 आपका ना देखो सर तो ना 2464 आपका माइनस इन दोनों को ऐड करके कितना आया 1400 तो ना उसका मतलब आपका देखो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया है आपका 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था देखिए मेन मैंने आपको बोला जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना मेरा काम बताना। मैंने आपको बार बार मैंने बोला इसको ऐसे भी कर लो और इसको नहीं करते हो आपके पास कई ऑप्शन है और लिखा हुआ इसमें या तो ट्राइंगल इससे निकालो वो राइट एंगल ट्राइंगल लगा करके यहाँ देखो आपका एरिया मेड ऑन सेमी सर्किल करके वहां से उसको जोड़ दिया आपने देखो दिस 90 डिग्री से आपका 45 में आपका कट करते हो बाकी मर्जी आपकी जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे करें। ये सवाल देखिए आपका ना इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म बिटवीन सर्किल एंड ट्राइंगल आपका इक्विलेटर ट्राइंगल और इक्विलेटर ट्राइंगल आपका ना देखो दिस इज द इन द मिडिल ऑफ द सर्किल है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन इक्विलेटर ट्राइंगल जो इक्विलेटर ट्राइंगल में नहीं है। ये है आपका देखो ना बोर्ड का क्वेश्चन है बोर्ड तो क्या बना सकते हैं आप फिगर इसकी रट दिया है मतलब अच्छी बात है। ऐसे भी बच्चे एक डीएवी स्कूल की बच्ची थी वहां की हेड गार्ड जो थी डीएवी स्कूल की लड़की हिमानी बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी हेड गार्ड भी थी और मैथमेटिक्स की बिल्कुल डेप्थ थी उसकी डेप्थ हर सब्जेक्ट में। उसी की एक फ्रेंड थी यही तिवारी
तब तो बीटेक करके उसके साथ शादी भी हो गई है। वो करती थी और तिवारी उसको रटती थी, रटती सवाल भी रट दिए उसने बोर्ड के एग्जाम में। क्या जी क्या? सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड बिटवीन सर्किल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, नाम दस दिया ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, नाम देखो दिस इज, और इसमें आपका रेडियस ये देखिए रेडियस ये आपका आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। ये देखिए आर इज इक्वल टू आपका, नाम देखो दिस दा ये 32 सेंटीमीटर है आपका, नाम देखो। इसका मतलब जो फ्लोरल डिजाइन आपका जो निकालना है ये जो ब्लू आप देख रहे हैं शेडेड, इसका इसका एरिया निकालना है हमने। उसका एरिया ऑफ सर्किल तो उसका निकल जाएगा आपका, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव अ रेडियस, लेकिन आपके पास वो नहीं है क्या जी बताइए? नहीं नहीं एंगल नहीं है, एंगल नहीं तो एंगल कैसे निकालेंगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नाउ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर आपका नाम देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए आपका नाम ए, ईच साइड्स आर इक्वल, ये आपका बिल्कुल हो गया आपका नाम देखो इज इट क्लियर। और नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू ईच 60 डिग्री आपका हो गया, यानी कि ये इसको ये 60 हो गया और आपका देखो ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। अब आपको ये चाहिए, ये एंगल आप कैसे निकालेंगे? क्यों एक थ्योरम कौन सी वाली थी? ओके वेरी नाइस, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, दैट्स वेरी फाइन। तो ओके ना एन आर्क सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू आपका ना ट्वाइस ऑफ एंगल ये आपका 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू आपका 120 डिग्री हो गया। देखिए अब देखिए ये आपका 120 डिग्री हो गया, देखिए इधर। अब आप क्या करें देखो आपका नाम यहां देखिए तो ना दिस ओ डी, ओ डी इज आपका ना तो ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो देयरफॉर आपका ना तो ओ डी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, तो आपका देखो ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा ये आपका नाम देखो दस। ये वैसे भी आइसोसेल्स ट्राइंगल आपका हो गया यहाँ पे आपका देखो, अंदर बाहर इक्विलेटरल ट्राइंगल और अंदर आपका देखो आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसका मतलब देखो एंगल बी ओ डी बॉड इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी कॉट इज इक्वल टू ईच आपका नाम देखो दस ईच 20 डिग्री। अब देखो परपेंडिकुलर का काम भी, और यहां देखिए ये इधर देखिए ये आपका 60 डिग्री और ये आपका देखो 60 डिग्री ये हो गया। देखिए अब ये देखिए अब आप इसको ले लीजिए, इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, देखो पर ऐसे किया तो देखो ये डी यहां आ गया
बी यहाँ आ गया और ओ यहाँ आ गया, देखो नाम देखो दिस दिस इज ये 90 है आपका एंगल ओ, अगर आप देखो ये बी ओ डी एंगल देखो बी ओ डी ये आपका देखो 60 डिग्री हो गया आपका देखो नाम दिस इज। अब आपका नाम ओ बी, ओ बी आपका देखो रेडियस है आपका देखो 32 सेंटीमीटर आपके सामने देखो क्या चीज 60 यार 80 60 लिखा है लेकिन वहां गलती से आपका देखो नाम जैसा। अब हो गया, अब मैं देखो आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल बीडीओ, बीडीओ में आपका देखो नाम दे सीधा साइन 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपका परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बीडी और सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बोल भी नहीं रहे हो यार ओबी साइन 60 रूट 3/2 इज इक्वल बीडी आपका नाम एक बीडी सिगरेट का छोटा भाई बीडी ओवर ओबी आपका देखो 32 तो इट विल गो अप तो नाउ बीडी इज इक्वल टू आपका नाम 32 रूट 3/2 ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया आपका नाम देखो तो बी डी इज इक्वल टू आपका 16 रूट 3 बी डी बी डी देखो अभी ये हो गया ये देखो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लिखा हुआ आपको देखो आपका ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यहां पे मैंने आपका लिखा नहीं आपने बोला नहीं बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका नाम देखो बी सी इसका मतलब देखो आपका नाम बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी तो ना 2 × 16 रूट 3 इज इक्वल टू आपका 32 रूट 3 ये सेंटीमीटर हो गया बस असली चीज तो आपका अब ये देखो ये वाला पोर्शन ये पूरा बी सी यहां से लेके यहां तक आपका नाम देख 32 रूट 3 सेंटीमीटर हो गया आ गया तो देखो यही आपका क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 32 रूट 3 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की आपको देखो ये दिस इज ये आपका ए ए बी सी 32 रूट 3 सेंटीमीटर 32 रूट 3 सेंटीमीटर 32 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया बस तो ना दो एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 और साइड का देखो आपका स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पाई 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना था 32 × 32 था आपका तो जब इसकी मल्टीपल टेबल में नहीं आता है पाई तो फाइव इन प्लेस ऑफ पाई यू कीप दिस 3.14 माइनस रूट 3/4 एंड आपका साइड का मतलब 32 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 32 × 30 रूट 3 आपका देखो ठीक हो गया ना 4 से 4 कितना हुआ 8 जा हो गया आपका देखो तो 3.14 × 32 × 32 देखो आपका नाम माइनस ये रूट 3 तो मतलब 1.73 आपका हो गया देखो आपका नाम इंटू 8 इंटू 32 रूट 3 हो गया रूट 3 रूट 3 रूट 3 कंप्लीट 3 हो गया तो आपका इंटू 3 देखो आपका तो 32 एंड आपका अगर आप चाहते हैं काटते नहीं इसको तो गड़बड़ करता हाँ गड़बड़ करता आपका देखो अरे हो तो आपका देखो ये यहाँ पे 8 फोर्ड आपका 32 कर दो देखो इसको ना तो 8 × 32 कॉमन आ गया देखो 8 × 32 कॉमन आ गया देखो आपका 8 × 32 कॉमन आ गया 8 × 32 कॉमन आ गया तो देखो 3.14 × आपका 4 माइनस 1.73 ये आपका देखो और इंटू ये 3 हो गया देखो तो 32 × 8 का कितना हुआ 256 4 × 4 = 16 देखो 4 × 4 = 16 4 × 1 = 4 × 5 वैसे भी 14 × 4 = 56 होता और 4 × 3 = 12 ये आपका देखो माइनस देखो 3 × 2 = 6 1.73 था ना मैंने रखा ठीक है दो डेसिमल के दो ही प्लेस रखो तो ना तो 3 × 3 = आपका 9 हो गया
थ्री सेवन या 21 हो गया और थ्री वन या 3.5 अब आपका देखो ना इसमें से 12.56 में से आपका ना 5. आपका देखो 19 69 इज 7 आपका देखो ये आपका 41 इज आपका 3 आपका ना यहां से हो गया 12.5 इज आपका 12.5 इज कितना हुआ 7 तो 256 इंटू 7.37 इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है मैं तो प्योर वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इतनी तो इस किताब वाले ने भी नहीं निकाली है इसको फटाफट बताइए मुझे कितना आ रहा है ये आपकी बिल्कुल प्योर वैल्यू है कई किताब वाले क्या करते हैं इनको रूट थ्री में छोड़ देते हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा काम किया होगा इन लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना करके इसको लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल एक जो सच्चा स्टूडेंट होता है ना ट्रू वो इतनी मेहनत करके आपका नाम निकालता है देखो आपका लेकिन कॉमन निकाल करके ये देखो प्रोसीजर आपको क्या है आप कैसे करेंगे व्हाट वाज योर नीड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट आपका नाम व्हाट वाज द रिक्वायर्ड थिंग वो सारी चीजें आपने बिल्कुल लेकर के चलनी है तब जा करके तो ये सवाल आपके बेसिकली आपके रेंज में होने चाहिए ये जितने भी आज की तारीख में ये सारे में बोर्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको नाम देखो देश अब देखिए बोर्ड का एक ही आपका जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी कई बच्चे नहीं कर पाते हैं द एरिया ऑफ ए सर्किल देखो द एरिया ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल यानी कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब था लेकिन उसने खाली ट्रायंगल लिख दिया तो अब बच्चा उसको कैसे लेता है ये आपका ये डू इट छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी ज्यादा कंसंट्रेट किया करो मैंने वही कहा मैटर आपको बहुत मिल जाएगा चैनल पे लेकिन ये जो नई बुक्स के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं तो कई बुक्स इंट्रोड्यूस हो गए यहां पर आने को देख क्या है द एरिया ऑफ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड एरिया ऑफ सर्किल आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका ना देखो और वो इंस्क्राइब्ड उसके अंदर आपका ना उसके अंदर है ट्राइंगल के अंदर है देखो मैं पहले ये किया मैंने ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये मैंने कह रहा हूं ये गिवन है देखो गिवन है तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ये नाउ ईच इक्वल साइड्स ऑफ अपना एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ इज द सेंटर इंस्क्राइब है आपका नाम इसके अंदर है आपका ट्राइंगल के अंदर आपका ये बना हुआ है आपका नाम देखो दिस इसका मतलब अब आपको इस ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालनी है एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज ओनली पॉसिबल व्हाइल यू हैव द साइड्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास अगर इफ दिस इज अवेलेबल तो नो प्रॉब्लम आप देखो ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू ईच पहले 60 डिग्री हो गया तो ना देखो ये 60 डिग्री आपका हो गया ना ये आपका 60 डिग्री हो गया ये आपका ना ये 60 डिग्री हो गया आपका नाम ये सी अब आपका देखो इसको जोड़ दीजिए तो वैसे भी आपका ये 30 आपका हो जाएगा आपका ना तो बता सकते हैं अब ये आपका ना ये आपका 30 हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा आपका ना तो बता सकते हैं तो ये बीओ इज फंक्शनिंग एज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका ना देखो ये बता सकते हैं एंगल बी आपका ना ये इसका मतलब एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू ईच अपना 30 डिग्री आपका हो जाएगा अपना
ये 30 डिग्री आपका हो गया, देखो आप जरा। अब आपको ये अब ये तो जब तक आपके पास रेडियस नहीं निकलेगा तो आपका नाम हेल्पलेस है आपका नाम। देखो उसके बाद तो ये 30 ये 90 हो गया, देखो ये 90 हो गया आपका, ये 30 ये 90 तो आपका ये आपका अपने आप ही 60 हो गया आपका। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ईच आपका ये हो गया। देखिए अब इसका बता दो, अब यहां पे आ जाइए एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर एंड दिस पाई आर स्क्वायर इज गिवन एज आपका नाम देखो 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज गिवन पाई। पाई की वैल्यू आपका कटते नहीं है तो 3.14 इज इक्वल टू 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका नाम, और आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 254.34 ओवर 3.14। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 8 3 24 बस अब आपको जरूरी नहीं किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला साइन करेगा, देखो अभी 30 हो गया, ये आपका देखो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपके पास आर, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अब आप क्या लगा सकते हैं इसमें बोलिए, यहां से लगाना चाहे तो साइन 60 लगा दो, इधर से लगाना चाहे तो भी आपका साइन 60 लगा दीजिए, आपका ये बेस निकालना है अपना कॉस लगा दीजिए अपना, देखो दोस्तों इन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडी बी देखो टेंजेंट की एक आपकी थ्योरम आपके उसमें है आपका नाम देखो दस तो आपका टेंजेंट की थ्योरम भी आपका प्रॉपर आपकी हो रही है आपका नाम देखो दस एनी ऑफ इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी आप अगर 60 लेकर के इसका काम करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं आपका नाम देखो दिस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 60 का मतलब √3/2 परपेंडिकुलर आपका नाम देखो दिस बी डी पर आपका देखो 9 चेक कर लीजिए कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। साइन 60 इसके लिए साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कर रहा हूं मैं आपका नाम देखो दिस क्या मैंने ठीक किया है नहीं किया ये देखो मुझे बता दीजिए आपको ना तो ये देखो दिस इज तो बी डी इज इक्वल टू 9√3/2 आपका देखो नाम दिस इज ये मेरे हिसाब से इतना सेंटीमीटर आ रहा है आपका नाम देखो दिस इज इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल हाफ ऑफ आपका बी सी है आपका नाम देखो दिस इज तो बी सी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ आपका नाम बी डी हो गया तो बी सी इज इक्वल 2 × BD 9√3/2 बी सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द 9√3 सेंटीमीटर जरा चेक कर लो कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया निकाल करके जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज दैट इज 60/2 है आपका देखो ना वो चेक कर लीजिएगा आपका नाम वो मैंने ठीक किया नहीं किया अब और नहीं तो अगर ये नहीं है ठीक है तो देखो आपका नाम अगर ये ठीक नहीं है अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये तो ऑलरेडी आपका 30 हो गया आपका नाम देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपका देखो ना दिस इसमें अब आपका आप ये भी लगा सकते थे आपका नाम देखो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू
बेस ओवर आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज, cos 30 आपका क्या होता है रूट 3 बाई 2, इस बार बेस आपका कितना है बी डी ओवर हाइपोटेन्यूज आपका नाम वो 9 है, तब भी वही आ रहा देखो आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या निकाला है नहीं, और आप शो कहां कर रहे हैं तुम्हारी सास को लेगा तुम्हारा नालायक ससुर, रेडियस तो ये है आर इज इक्वल 9 सेंटीमीटर, तो का खाक दिखाओगे बोल नहीं रहे हो यार स्क्वायर, बाकी सब कुछ सही कर रहे हैं, वो 9 लिखा रहा हूं वो रेडियस दिखाई दे रहा था, ये रेडियस तो यहीं तक आगे देखो आपका इतना लंबा है ट्रायंगल का, और बाइसेक्टर भी लिख रहे हैं वो, तब जैसा जिसने पढ़ा दिया ठीक है, साइन तो साइन क्यों लगाओ गया, तो आपको बेस निकालना है ना, बाकी और कुछ पता ही नहीं आपको, ये परपेंडिकुलर बेस निकालना है तो 10-30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर मतलब ओडी ओवर आपका ना बेस बीडी, 10-30 का मतलब 1/√3 ऐसे बड़ा आपका देखो ना ये ओडी आपका 9/BD आपका ये होगा, कितनी बड़ी गलती कर रहे बीडी इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर हो गया आपका ना देखो दे, तो देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आपका ना बीडी, तो 2 × 9√3 सेंटीमीटर, दिस इज 18√3 सेंटीमीटर आपका देखो ये आया, अब आया सब, अब इसका मतलब नाउ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए कभी भी किसी की आपका 3 × आपका साइड हो जाता है 3 × 18√3 हो गया, तो नाउ 54√3 सेंटीमीटर, और 54 × √3 की वैल्यू आपका हमेशा 1.73 रख करके जरा मुझे बताइए तो क्विकली कितना हुआ, 1.732 रख करके कितना आ रहा, पांच और चार 9 और ये 3 93 आपका, तो यही हो रहा 0.5/3 इतना सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल, तो देखो कभी कभी प्रेशर देखो आपके ऊपर नहीं प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा मुझे लग रहा है आपका, ना देखो जैसे 9th भी कह रहा है एग्जाम है, 10th भी कह रहा है एग्जाम है, 11th भी कह रहा है एग्जाम है, 12th भी कह रहा है एग्जाम है आपका, देखो इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेकर के काम करिए, कल आपसे मुलाकात होती है, इफ विल कम अर्ली इन द मॉर्निंग इट्स ऑल राइट, अदरवाइज आई कांट से एनीथिंग मोर, ठीक है बिल्कुल अति उत्तम।